इसी के साइड देख सकते हैं आप लोग, ये है हाउस बोट। सो यहाँ पे आप लोग रात को स्टे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये ज़ीरो ब्रिज का भी जो व्यू है ये देख सकते हैं आप लोग की, पूरा लकड़ी का ब्रिज है भाई लोग, यहाँ से टूटा भी है। सो काफ़ी टाइम हो गया मैंने मिलाया नहीं भाई से। सो ये रहे फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो भाई? तो गाइज इधर भी मार्केट लगी हुई है, बहुत संडे मार्केट लगी हुई है। सो तो गाइज ये पेड़ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये कितना प्यारा व्यू है इस पेड़ का, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से भी ये इसका व्यू, एंड ये पीछे देख सकते हैं आप लोग बैक कितना प्यारा आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग आप आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो भी प्लान भी किया था एक दिन मैंने गुलमर्ग जाने के लिए, लेकिन वो प्लान ही मैं रह गया भाई। अस्सलाम वालेकुम फ्राम कश्मीर, मियान चैनल करन सब्सक्राइब अब्दुल रहमान ब्लॉग्स। देखते हैं फिर कितने टाइम में मैं कश्मीरी सीखता हूँ। सो चलो बाकी की बातें बाद में करते हैं। सो आज चल रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, अभी जस्ट एक भाई से भी मिलना है, फहीम भाई, अभी जस्ट तैयार व्यार होते हैं तो उसके बाद निकलते हैं। सो गाइज एक खास बात भी मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सो पहले तो जज़ाकअल्लाह आप सभी का जो जो मेरे को आज तक सपोर्ट करता आया है, राजौरी के जो भी बंदे हैं मेरे खास दिल में बसते हैं। सो गाइज कहीं भी जाओगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है हर चीज़ हैंडल करना बहुत ज़्यादा, एंड दूसरों के साथ अपना कंटेक्ट अपना फ्रेंडशिप बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी खुशकिस्मती है भाई लोग कि मेरे को कश्मीरी भाई लोग इतने अच्छे मिले ना, इतने मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया कह रहा हूँ कि मतलब 2-3 दिन में ही इतने क्लोज हम सब बन गए ना। सो मैं सबसे मिलाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, जिन्होंने मेरे को समझा, जिन्होंने मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दी। सो फाइनली गाइज बाइक के पास पहुंच गया एंड अभी जस्ट निकल रहे हैं आगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुरी खबर है मेरे, मतलब कि एक छोटी सी बैड न्यूज़ है, लेकिन ये है कि मेरा फ़ोन ना स्विच ऑफ होने वाला है बस थोड़ी ही देर में भाई। अभी फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो गूगल मैप की भी ज़रूरत पड़ेगी मुझे आगे चल के, एंड कॉल्स वगैरह भी करनी है भाई लोग्स को, सो उसके कारण मसला बन जाएगा। सो चलो अब क्या करें भाई, अगर किसी के पास हो गया फ़ोन चार्ज तो मैंने चार्जर साथ लाया, सो करवा लेंगे। तो गाइज़ आज कश्मीर का मौसम भी बहुत प्यारा है, ज़बरदस्त। प्लान भी किया था एक दिन मैंने गुलमर्ग जाने के लिए, लेकिन वो प्लान ही मैं रह गया भाई। आपका भाई ज़रूर जाएगा गुलमर्ग। तो गाइज़ इधर भी मार्केट लगी हुई है, बहुत संडे मार्केट लगी हुई है। सो वैसे तो मेरे को आज एक्सप्लोर करना चाहिए था भाई, संडे मार्केट लगी हुई है हर साइड, सो लेकिन आज नहीं एक्सप्लोर कर पाया। नेक्स्ट संडे वाले दिन इंशाल्लाह मैं एक्सप्लोर करूंगा संडे मार्केट यहाँ की, एंड जब भी आप लोग आएंगे तो संडे मार्केट से बहुत आपको डिस्काउंट में मिलेगा हर चीज। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी संडे मार्केट लगी हुई है, हर तरफ संडे मार्केट है आज, एंड भाई बहुत ज्यादा अब फील हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरे को पहले पता ही नहीं चला कि आज संडे है भाई। देख सकते हैं आप लोग ये संडे मार्केट लगी हुई कितनी प्यारी लग रही है, और लास्ट टाइम मैं उधर गया था ना दिल्ली, सो उस टाइम मेरे को भाई लोगों ने कहा था भाई आप चोर बाजार नहीं, चोर बाजार ना दिल्ली में एक चोर बाजार भी है। सो कोई नहीं, यहाँ पे संडे मार्केट आज मिस होगी, लेकिन नेक्स्ट संडे मार्केट इंशाल्लाह जब भी लगेगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। एंड यहाँ से भी ये व्यू चेक करें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत भाई, जहाँ भी जाओगे ना श्रीनगर में आके तो आपको हर साइड खूबसूरती ही अट्रैक्ट करेगी भाई, हर साइड खूबसूरत ही आपको सब कुछ मिलेगा खूबसूरत। काफी टाइम से यहाँ पे मैंने वेट किया और फाइनली भाई आगे, एंड चलो चलते हैं भाई। अभी हम चल रहे हैं जीरो ब्रिज, एंड आपको जीरो ब्रिज का व्यू भी दिखाते हैं। सो साथ हैं फहीम भाई, सो आगे चल के मिलाते हैं। सो इस पुल का व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये है पुल भाई अब्दुल्ला ब्रिज, एंड इस पुल का नाम है अब्दुल्ला ब्रिज, जैसे हमारी राजौरी में भी एक अब्दुल्ला ब्रिज है ना, सो इस पुल का नाम भी अब्दुल्ला ब्रिज है। और पूरा लकड़ी का ब्रिज है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, सो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, दूर से उसका नज़ारा अभी हम लोग ने देखा है। सो फाइनली पहुंच गए ब्रिज के पास, एंड अभी दिखाते हैं आपको नज़ारा ब्रिज का। सो फाइनली अब मिला देते हैं आपको फहीम भाई से, सो काफी टाइम हो गया मैंने मिलाया नहीं भाई से। सो ये रहे फहीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो भाई? से ठीक है शुक्र अल्लाह, और से ठीक आपकी? एंड ये भी श्रीनगर में थे, सो उसके बाद मैंने भाई से कांटेक्ट किया, सो फिर मैंने सोचा भाई से मिला जाए क्योंकि भाई भी श्रीनगर में। तो गाइस ये जो पानी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये झेलम का पानी है। सो इसी के साइड देख सकते हैं आप लोग, ये है हाउस बोट। सो यहाँ पे आप लोग रात को स्टे भी कर सकते हैं, एंड पीछे का पीछे देख सकते हैं आप लोग ये मार्केट एंड इसका व्यू। सो देख सकते हैं आप लोग ये कितना प्यारा माशाल्लाह नज़ारा। सो यहाँ से ये ज़ीरो ब्रिज का भी जो व्यू है ये देख सकते हैं आप लोग की, पूरा लकड़ी का ब्रिज है भाई लोग, यहाँ से टूटा भी है। सो कहीं कहीं जगहों से भाई लोग क्रैश भी मतलब के हुआ हुआ है, सो इसलिए अगर आप लोग कहीं भी आएंगे यहाँ पे कभी भी, सो यहाँ पे जब भी आओगे तो बी केयरफुल, क्योंकि कोई पता नहीं भाई
कौन सी जगह से कहीं से ये लकड़ी टूटी हो, सो आप सीधा इस पानी के नीचे देख सकते हैं आप लोग कितना गहरा पानी है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से भी ये इसका व्यू, एंड ये पीछे देख सकते हैं आप लोग बैक कितना प्यारा आ रहा है। सो अभी आगे का भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो आप लोग जब भी आएंगे सो यहाँ पे आप लोग आप आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो भी इंजॉय हो वो कर सकते हैं। सो बाकी ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा व्यू है इसका। सो बाकी रात के टाइम भी इधर बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है, वो इसलिए कि लाइटिंग वगैरह लगाई गई है। एंड ये देख सकते हैं आप लोग ये वाले लगाए गए हैं, सो उसके कारण यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत प्यारी होती है रात के टाइम भी। तो यहाँ से भी ये व्यू चेक करें आप लोग कितना प्यारा खूबसूरत। सो चलो ठीक है भाई। सो गाइज हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से रुके रहे जीरो ब्रिज पे, एंड ये देख सकते हैं आप लोग जीरो ब्रिज, एंड ये पूरा लकड़ी का ब्रिज है भाई लोग। एंड अभी जस्ट हम लोग यहाँ ब्रिज से होके आए हैं, सो जीरो पॉइंट ब्रिज है जो। सो अभी जस्ट हम लोग चल रहे हैं, आगे एक पार्क है जागर पार्क भाई लोग, लाल चौक के थोड़े से ही आगे जीरो पॉइंट है जो, ये इसी के साथ में ही। सो भैया ही बता रहे हैं जगह का नाम, मुझे तो पता नहीं है। अभी आप लोग आएंगे तो मैं जहाँ जहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ ना, आप लोग जरूर यहाँ पे आना भाई लोग। सो यहाँ से ये व्यू चेक कर रहे रोड का भाई, बहुत ही प्यारा खूबसूरत। इस रोड में तो आज फर्स्ट टाइम में मैं आया हूँ, पहले तो मैं इस साइड तो आया ही नहीं वैसे भी। सो ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा रोड है भाई। 5 बजने लगे हैं, 5-10 मिनट कम है। इधर से अंदर यहाँ से। सो फाइनली गाइज ये रही जॉगर्स पार्क। सो गाइज फाइनली हम लोग इंटर हो चुके हैं जॉगर्स पार्क है जो। सो ये व्यू चेक करें आप लोग कितना प्यारा है इसका, एंड इवनिंग का टाइम चल रहा है भाई लोग। सो बाकी ये देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा ब्यूटीफुल इसका व्यू है। सो भाई लोग कश्मीर में किसी भी जगह जाओगे ना, आपको खूबसूरती ही अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि कश्मीर जो है ना वो ऐसे नहीं कहा गया कि हेवन ऑन अर्थ, वो इसीलिए कहा गया कि जहाँ भी जाओगे ना आप लोग सो वहाँ पे ही आपको ब्यूटी अट्रैक्ट करेगी। एंड तो गाइस ये पेड़ का व्यू देख सकते हैं आप लोग, ये कितना प्यारा व्यू है इस पेड़ का माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये देख सकते हैं। एंड ऐसे ही कलर के भाई सारी साइड ऐसे ही पेड़ लगे हुए हैं, एंड ये देख सकते हैं आप लोग, ये पता नहीं फूल है या पेड़ है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग निकले हैं यहाँ से जॉगर्स पार्क से बाहर, एंड अभी जस्ट निकल रहे हैं आगे। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, एंड फाइनली अभी जस्ट फ्री हुए। सो अभी चल रहे हैं आगे। सो गाइज अभी जस्ट फहीम भाई चले गए, वो अपने उधर जहाँ पे वो रह रहे हैं। सो अभी मैं फ्री हो गया हूँ अकेला। सो अभी जस्ट सीधा चलते हैं लाल चौक, एंड ये आगे आ गया हॉस्पिटल, एलडी हॉस्पिटल। सो देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा है माशाल्लाह। सो गाइज मैं गुजर रहा हूँ इकबाल पार्क है यहाँ पे। सो यहाँ पे अंदर बहुत माशाल्लाह प्यारी पार्क है, यहाँ से मैंने व्यू देखा है उसका। सो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यहाँ पे भी आएंगे। सो गाइज ठीक है फिर, आई होप कि आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में, बहुत ही प्यारा व्लॉग लेके आऊँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वाला व्लॉग जब भी आएगा सो उसमें मैं अपने क्लासमेट जो भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह, जो प्यारे प्यारे मेरे को दोस्त मिले हैं, सो उनसे मैं मिलाऊँगा सबसे।